अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लिम्बिंग प्लांट्स आर क्लिम्बर्स और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं। तो क्लिम्बिंग प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है क्लिम्बिंग का मतलब है चढ़ना आराम चिमटना। तो ये जो क्लिम्बिंग प्लांट होते हैं आर क्लिम्बर्स, इसकी जो स्टेम होती है वो इंतहाई वीक होती है एंड स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब तीन होती है, पतला होता है। तो ये जो प्लांट होते हैं, ये जो क्लिम्बर्स होते हैं, इसमें खुद इरेक्ट होने की एबिलिटी नहीं होती, ये खुद इरेक्ट नहीं हो सकते। तो फिर ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू, या उस पर कायल हो जाते हैं और उसमें फिर ये चढ़ जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ये जो क्लिम्बिंग प्लांट्स है इसके फोर मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है ट्वाइनर्स, सेकेंड वन है टेंड्रल्स क्लिम्बर्स, थर्ड वन है रूट्स क्लिम्बर्स और फोर्थ वन है हॉक क्लिम्बर्स आर स्क्रैम्बलर्स। तो पहले हम लेते हैं ट्वाइनर्स को, कि ट्वाइनर्स प्लांट किस तरह होते हैं। तो ये जो ट्वाइनर्स प्लांट होते हैं, इसकी जो स्टेम होती है वो लॉन्ग होती है एंड स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब तीन, पतला। और इस स्टेम के जो इंटरनोड होते हैं वो भी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। अब ये नोट कर लीजिए, जो ट्वाइनर्स होते हैं इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन जो है वो नहीं होती अटैचमेंट के लिए, ये अपनी ही स्टेम को यूज करते हैं अटैचमेंट के लिए। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कोई इरेक्ट प्लांट है, तो ये जो ट्वाइनर्स होते हैं ये इस तरह अपनी स्टेम को दूसरे इरेक्ट प्लांट पर कायल कर लेते हैं और फिर उसमें क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। अब यहां पर यह भी नोट कर लिए, जो कायलिंग होती है, कायलिंग ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, फ्रॉम राइट लेफ्ट। अब ये जो कायलिंग है ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो ये क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है इसी तरह, तो फिर इस तरह कायलिंग को हम कहते हैं क्लॉकवाइज कायलिंग। इसके जो एग्जांपल है वो है कास्कोटा, क्योंकि कास्कोटा जो है वो दूसरे प्लांट्स के साथ अटैच होती है थ्रू इट्स स्टेम। सेकंड जो टाइप है वो है टेंड्रल्स क्लिम्बर्स। तो ये जो टेंड्रल्स क्लिम्बर्स होते हैं ये डिवेलप कर लेते हैं लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रक्चर को, और उस लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेंड्रल्स। और ये जो टेंड्रल क्लिम्बर होते हैं ये फिर इस टेंड्रल्स के साथ दूसरे प्लांट या ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू टच, यानी ये जब किसी प्लांट या ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो फिर डायरेक्टली उस पर कायल्ड हो जाते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है आप लोगों ने शायद देखा होगा, इस तरह होती है इसकी स्ट्रक्चर टेंड्रल की। ये जो टेंड्रल्स होते हैं ये या मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं लीफ के या मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं स्टेम के, यानी बास टेंड्रल जो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं लीफ के और बास जो टेंड्रल होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं स्टेम के। इसकी जो एग्जांपल है वो है वाटरमेलन, कोकोम्बर एंड एक्स्ट्रा।
थर्ड जो टाइप है वो है रूट क्लिंबर्स। तो ये जो रूट क्लिंबर होते हैं ये डिवेलप कर लेते हैं स्मॉल एडवांटेजियस रूट्स। स्पेशली इसकी जो स्टेम होती है इसके साइड से ये अराइज हो जाते हैं और फिर ये प्लांट इस स्मॉल एडवांटेजियस रूट को यूज करते हैं अटैचमेंट के लिए। ये जो रूट होते हैं ये भी सेंसिटिव होते हैं टू टच, यानी ये भी जब किसी प्लांट या ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो या डायरेक्टली उस पर क्या हो जाते हैं कॉइल्ड हो जाते हैं या ये सेक्रेट कर लेते हैं स्टिकी फ्लोइड को। अब ये जो स्टिकी फ्लोइड है इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये एयर में बहुत जल्द ड्राई अप हो जाते हैं और फिर ये प्लांट इस स्टिकी फ्लोइड को अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं इस तरह। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरेक्ट प्लांट है और ये कोई रूट क्लिंबर है। तो ये जो एडवांटेजियस रूट होते हैं ये यहां पर इस तरह इसके स्टेम से अराइज हो जाते हैं और इस एरेक्ट प्लांट के स्टेम के साथ ये क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं थ्रू दिस स्टिकी फ्लूइड या ये कॉइल्ड हो जाते हैं, यानी कि कॉइल्ड भी हो सकते हैं ये एरेक्ट प्लांट के स्टेम पर और बास जो है वो ये स्टिकी फ्लूइड भी क्या कर लेते हैं सेक्रेट कर लेते हैं और इसके थ्रू जो एरेक्ट प्लांट का स्टेम होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है लॉन्ग पेपर एंड मनी प्लांट। फोर्थ जो टाइप है वो है हॉप क्लिंबर्स आर स्क्रैम्बलर्स। तो ये जो हॉक क्लिंबर होते हैं ये एक्चुअली हॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप कर लेते हैं और उसके थ्रू पीरा दूसरे प्लांट या ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। हॉक्स ये मेटल से बनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा वो जो फिश पकड़ने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह होता है, इस तरह तकरीबन होता है जो फिश पकड़ने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हॉक लिंबर प्लांट होते हैं ये भी तकरीबन इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी क्या है स्टेम है, तो इसके स्टेम से इस तरह हॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं और ये जो हॉक क्लिंबर है और स्क्रैम्बल वो फिर इस हॉक लाइक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं अटैचमेंट के लिए। इसकी जो एग्जांपल है वो है ब्लैकबेरी एंड रॉस बेरी। तो ये हो गए क्लिंबिंग प्लांट्स और क्लिंबर्स और साथ साथ इसके टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।